हेलो फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सुबह सुबह रातें रंगीन करके उठ चुका हूँ। मतलब रातें रंगीन ऐसे नहीं, मतलब मज़े से और शाम को एंजॉय करके सिंगिंग करते हुए हमने रात बिताई। मतलब 1 बजे तक हमने यहाँ पे लगभग एंजॉय किया सिंगिंग की। एक दूर दूर से यहाँ पर बंदे आए हैं और यहाँ का मैं रहस्य अब इस व्लॉग में खोलने वाला हूँ कि मैं यहाँ किस लिए आया था यहाँ पे। तो आप देख सकते कि रात को हमने कहाँ पे सोए थे, बेस कैंप पे 3-4 लगे। लास्ट वाला जो नीचे वाला कैंप है ग्रीन वाला, उसमें हम 3 पर्सन्स स्लिप कर रहे थे। और यहाँ पे है जहाँ पे हमारा खाना बनता है अंदर, ठीक है। बेसिकली हम कैंपिंग करने के लिए आए, तो कैंपिंग तो ये रही। और इतने बंदे साथ में क्यों हैं? एक्चुअली ये एक रियलिटी शो होगा रोडीज़ के सिमिलर। मतलब एक रोडीज़, सब लोगों ने सुना होगा कि रोडीज़ क्या है, तो उसके सिमिलर एक शो बन रहा है। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो आज का दिन तो हमारा कुछ ऐसा जाएगा कि यहाँ को समझने में, यहाँ की जगह को देखने में। और बेसिकली ये जो शो है सर्वाइविंग पे है, जंगलों में छोड़ेंगे ऐसा वैसा, पता नहीं बाकी कैसा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अभी कोई नहीं उठा है, सुबह के लगभग बज चुके हैं 7:45, तो अभी तक कोई नहीं उठ रखा है। तुम्हारा भाई पहले उठ गया, साहिल भाई जिंदाबाद, मोटू ब्लॉग्स जिंदाबाद। तो इसी बात पे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और नहीं सब्सक्राइब भी कर दो। तो अभी आपको ले चलता हूँ बेस कैंप पे, दिखाता हूँ बंदे सो रखे हैं, सो रखे हैं, सब पैक के भाई, सब पैक के। यहाँ रात को आग लगी थी और जम सिंगिंग मेरा कर रहे थे, उसकी क्लिप भी मैं डाल दूंगा। ये देखो अंदर पड़े हुए बंदे, और इधर तुम्हारा भाई सो रखा था, इसमें 2 बंदे सोए हुए हैं अभी। तो अभी डिस्टर्ब करना नहीं बनता, तो अभी वेट करेंगे इनके उठने का, उसके बाद फ्रेश होंगे, फिर आपसे मिलते हैं हमारी दिनचर्या को लेके कि आज हम क्या करेंगे। तो आज का हमें कुछ नहीं पता, आज मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा, लेकिन हाँ करना तो कुछ है इतना मुझे पता, लेकिन खास नोएडा की खास होगा। अभी होस्ट वगैरह भी हमारी आने वाली है, मतलब 10 बजे तक होस्ट वगैरह आ जाएगी, उसके बाद आइडिया होगा कि हम क्या करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं फ्रेश हो लेता हूँ, और उसके बाद जब सब उठ जाएंगे फिर आपको मिलेंगे दोबारा से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। कैंपिंग साइट से थोड़ी दूर पे, मतलब मैं थोड़ा सा आया तो नीचे को देखा, शाम के टाइम ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी बगीचा देखा तो भाई सेब ही सेब, हर तरफ सेब ही सेब है। और मज़ेदार देखने के लिए जो व्यू है अल्टीमेट है। बाकी अभी हमारी होस्ट वगैरह आ गई हैं, तो अब जाना है, हमने दोबारा जा रहा हूँ कैंपिंग साइट की तरफ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाकी आप यहाँ का व्यू इंजॉय कर लो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा साइड में आके दोबारा से बैठ गया हूँ, क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम भाई ऐसा गंदे वाला, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, नहीं गंदे वाली किसी के साथ नहीं होती। 2 GB डाटा हो के भी साला 100 MB कर यूज़ करने के लाले पड़े हुए हैं। तो लगभग यहाँ से 200 से 300 मीटर दूर मैं आया हूँ, वहाँ पर आ रहे हमारी कैंपिंग। तो यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर थोड़ा नेट आ रहा है, एयरटेल फुल है लेकिन जियो एकदम निल, मज़ा नहीं आ रहा है नेट चलाने का। तो उस वजह से यहाँ मुझे व्लॉग्स अपलोड करने के लिए यहाँ तक आना पड़ रहा है। तो भाई कसम से, मतलब इतना अजीब लग रहा है ना, क्या करूँ। मतलब आया हूँ, व्लॉगिंग भी करनी है और कंटेंट भी क्रिएट करने, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। मैं वीडियोस बना तो पा रहा हूँ लेकिन बनाकर स्टोर ही कर पा रहा हूँ, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक वीडियो कल की जो मैंने बाइक राइड वाली की थी, वो भी बड़ी मुश्किल से अपलोड की है,
यहाँ आके, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ अपलोड करने के लिए, जो आपने पिछली वीडियो मतलब जो इससे पहले वाला व्लॉग है उसमें देख लिया होगा। तो अभी दिन में थोड़ा बहुत सिंगिंग हुई थी, पिछली रात में भी सिंगिंग हुई थी, वो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूंगा। आज का हमारा कुछ खास नहीं रहा, आज हमारी होस्ट से मीटिंग्स हुई, टू होस्ट है हमारे लिए आई हुई यहाँ पे जो हमारे को होस्ट करेगी, तो उनके साथ थोड़ी बातचीत हुई। और मतलब कल से हमारा एडवेंचर स्टार्ट होगा, मतलब सर्वाइवल स्टार्ट होगा, हिमालयन सर्वाइवर्स। तो अब कल से टास्क होंगे, लेकिन टास्क मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि वो उनकी मतलब उनके पास रहेगा, तो मैं नहीं डाल पाऊंगा, मुझे टास्क करना है, वीडियो नहीं बनानी है। तो अरे परे, मतलब जो हमारा लाइफस्टाइल रहेगा इन 15 दिन के बीच का, वो मैं डालता रहूंगा, कभी 1 से 2 दिन वाला इकट्ठा करके डालूंगा, कभी एक दिन अगर अच्छा कंटेंट मिल गया तो एक दिन में डालूंगा, वैसे करके मैं डालता रहूंगा। बाकी आज का व्लॉग में मैं थोड़ा सिंगिंग का और क्लिप वगैरह ऐड करके आपको डाल दूंगा। इसके बाद अभी सिंगिंग पार होनी है, तो इस टाइम शाम को माहौल बनता है, वो माहौल मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि कैसा माहौल बनता है हमारे यहाँ पे। कल भी बहुत अच्छा माहौल बना था, भाइयों ने 2 सिंगर्स आए हैं जो एक बार जो हिमाचल ऑफ वॉइस रह चुके हैं और दूसरे जो मुंबई में रहते हैं, तो वो भी आए हैं जो गिटार बहुत ही मतलब गजब का बजाते हैं, लेकिन है हिमाचल से, बेसिकली हिमाचल से हैं, तो कोरोना टाइम में वापस घर आ गए थे, तो उनसे भी मिलेंगे पार जाके, उनकी मतलब जो वो कर गिटार बजा रहे होंगे वो भी आपने देखना, और जो गा रहे होंगे उनको भी आपने देखना। तो ठीक है, मिलते हैं पार और उसके बाद करेंगे व्लॉग का एंड, लेकिन उनको जो देखना भाई बहुत गजब का मतलब माहौल बना देते एक एडवेंचर ट्रिप के अंदर। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में पार। अभी कर लेता हूँ मैं थोड़ा एडिटिंग तो हो रखी है, लेकिन अभी कर लेता हूँ अपलोडिंग का काम, क्योंकि पिछला व्लॉग जब तक आगे नहीं आएगा तो अगला पार्ट कैसे डालूंगा भाई। तो पिछले व्लॉग को मैं अपलोड कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा, और ठंड बहुत है, पेड़ों के बीच में ये कैंप हो रहा है, और इसके बाद पता नहीं हमारा जो टास्क होगा वो कहाँ होगा, बोल रहे हैं ऊपर जाना, तो वहाँ टास्क होगा, तो देखते हैं कहाँ पे टास्क होता है, नो आइडिया। बाकी जय श्री राम। मिलते na 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 na.